हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के किसी भी पुराने वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने वर्जन को डाउनलोड करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है और पुराने वर्जन को कैसे डाउनलोड किया जाएगा, इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी क्रिएटर्स के लिए जो कि फिल्मोरा के अंदर वीडियो को एडिट करते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम आती है कि कैसे अपने पुराने वर्जन को डाउनलोड किया जाए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिल्मोरा के वर्जन क्या होते हैं और इनके नए वर्जन और पुराने वर्जन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हम सभी जानते हैं कि फिल्मोरा सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा एक वीडियो एडिटिंग के लिए है, जिसके अंदर आप बेसिक से एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और फिल्मोरा के अंदर जब भी कोई नया फीचर ऐड किया जाता है तो उसे एक नया वर्जन बना दिया जाता है। तो अगर आप नए फीचर का यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नया वर्जन अर्थात तो फिल्मोरा को अपडेट करना पड़ता है, और अपडेट करना बहुत ही आसान होता है। आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही जाके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप नया वर्जन अपडेट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी जो नए वर्जन आते हैं वो काफी बड़े एमबी के सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जिस कारण से अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन कम होता है तो वहां पे हैगिंग या लैग करने लगता है आपका कंप्यूटर, जिस कारण से आप अच्छे से या अपनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो को एडिट नहीं कर पाते हैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के अंदर। और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी किसी नए सॉफ्टवेयर या किसी नए वर्जन के अंदर कुछ ऐसे फीचर ऐड हो जाते हैं, कुछ पुराने फीचर हट जाते हैं, जिस कारण से आपको लगता है कि हमें पुराना वर्जन यूज करना चाहिए, इसलिए आप अपने पुराने वर्जन में पुनः आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पुराना सॉफ्टवेयर या पुराना वर्जन काफी समय तक यूज करते हैं तो हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है उसके अंदर यूज करने की, वीडियो एडिटिंग करने की। इसलिए अगर आप नया वर्जन अपडेट करेंगे तो वहां पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जिस कारण से आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और आप चाहते हैं कि हम अपना पुराना फिर से वर्जन डाउनलोड करें। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे कैसे आप अपने पुराने वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि मैंने फिल्मोरा जो कि नया वर्जन आ चुका है 14.0.8, उसको मैंने अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करके रखा है चेक करने के लिए कि आपका नया वर्जन है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर मेन्यू बार में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा हेल्प का। हेल्प पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा चेक फॉर अपडेट। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन तो दिखाई देगा अपडेट करने का, लेकिन यहाँ से आप पुराने वर्जन को डाउनलोड नहीं कर सकते। और यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको अपना लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्य होंगे वो इंटरनेट की सहायता से ही होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चेक होके आ चुका है, जहां पे लिखा है यूजिंग यू आर यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन चेक आउट ऑफ द न्यू फीचर, अर्थात यहाँ पे ये हमारा अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 14.0.8, जिसके अंदर बहुत सारे 18 फीचर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। कैसे अपडेट किया जाएगा, इसके लिए आपको सिंपल से यहाँ पे अगर आपने अपडेट नहीं किया होगा तो यहाँ पे नीचे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, और अपडेट करने पे मैंने डिटेल से भी वीडियो बना दिए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपडेट करके रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर आप पुराने वर्जन के अंदर जाना चाहते हैं, अर्थात यहाँ से आप पुराने वर्जन के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना होगा, अपने लैपटॉप के अंदर कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल से क्या करता हूँ, एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल से टाइप कर देता हूँ फिल्मोरा। जैसे फिल्मोरा यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे तो यहाँ पे फिल्मोरा का ये देखो इंटरफेस आ चुका है। अगर आपके सामने इस टाइप का ना आए तो आपको सिंपल से फिर से यहाँ पे एक बार फिल्मोरा टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिल्मोरा टाइप करता हूँ और यहां से एक सेकेंड में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे सिंपल से आपको क्या है, फिल्मोरा डाउनलोड लिखेंगे तो इस प्रकार का आएगा, जहां पे फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अगर आप लोगो पे क्लिक करेंगे तो इसका इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जो कि फिल्मोरा इस समय 14 चल रहा है इसलिए यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पुराना वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी पुराने वर्जन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है। अगर यहाँ पे आप कोई भी फीचर वगैरह देखेंगे लेकिन ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता। तो आप कैसे हम पुराना वर्जन डाउनलोड करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नया टैब यहाँ पे ओपन कर लेना है और सिंपल से आपको टाइप करना है वंडरशेयर या support filmora.com, ऐसे टाइप कर देना है फिल्मोरा
सिंपल से आपको लिखना है फिल्मोरा सपोर्ट, यहाँ पे क्या लिखें फिल्मोरा डॉट सपोर्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक। जैसे फिल्मोरा सपोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पे अभी क्या ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो चुकी है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ वंडरशेयर सपोर्ट डॉट कॉम, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट अ वंडरशेयर आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा, ये लिंक, और ये लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड भी करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप जाके इसको वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इस पे जब क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के आपको अंदर यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर यहाँ पे, ये सपोर्ट के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा तो पॉपुलर टॉपिक लिखा होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा होगा नीचे लिखा होगा सी मोर का ऑप्शन, सी मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पे लिखा होगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। और जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं फिल्मोरा के विषय में बात करता हूँ तो यहाँ पे फिल्मोरा सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद मेरा ये विंडोज है तो मैं विंडोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और वर्जन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्जन दिख जाएंगे, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन अभी यहाँ पे 14.08 है, लेकिन मैं 13 का कोई भी वर्जन, आप चाहे यहाँ पे 12 के वर्जन, 11 के वर्जन, कोई भी पुराने वर्जन, यहाँ से 10 से लेके यहाँ तक अभी 14 तक वर्जन अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे 13 का वर्जन जो कि 13.6.3 इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका विंडोज अगर 64 बिट में है तो डिटेक्ट कर लेगा, आपको यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप फिर 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड हो स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे 628 MB का है। तो ये डाउनलोड होता है, जब तक हमें क्या करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन प्रोग्राम एंड फीचर का ऑप्शन, ये प्रोग्राम एंड फीचर पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपका जहाँ पे वंडरशेल फिल्मोरा दिख जाएगा उसको यहाँ से आपको क्या है हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा वंडरशेल फिल्मोरा यहाँ पे है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हैं और एस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कंटिन्यू जहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये फिल्मोरा का ही सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे हम जाते हैं और इसको अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुका है, अभी यहाँ पे कुछ इसके पार्ट बचे हैं तो इन सभी को आपको क्या यहाँ पे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यस पे क्लिक करना होगा। तो क्या है कैन नॉट यूसी यूजर gyanbyte.com, तो यहाँ से अगर यह अनइंस्टॉल नहीं होता है तो आप सिंपल से यहाँ पर भी जा सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन पाथ टू ओपन फाइल लोकेशंस पे क्लिक करके यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके पूरी फाइल को डिलीट कर देंगे एक बार में, तो सभी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। अब यहाँ से जब डिलीट हो जाएंगी आपको इसके बारे एक बार क्लिक करना होगा रिस्टोर या डिलीटेड, तो मैं डिलीटेड पे क्लिक करूंगा और ये देखो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पैनल के अंदर फिर से जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम फीचर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर नहीं है, अर्थात हट चुका है। तो ये तो मैंने एक तरीका आपको बता दिया। अभी यहाँ पे ये 200 MB का कुछ शो कर रहा है, इस पे अगर क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल, यस पे क्लिक करेंगे तो ये भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल के लिए रखा था यहाँ पे लगभग 1 मिनट का भी टाइम शो कर रहा है। जैसे कंप्लीट होता डाउनलोड हम आपको दिखाते हैं कैसे इसको इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फिल्मोरा का जो कि मैंने यहाँ पे 13.6.13 वर्जन डाउनलोड किया था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर आपको 2 बार ऐसे क्लिक करना होगा। जैसे 2 बार क्लिक करेंगे कुछ ही समय के अंदर आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पे पूछेगा आपकी लैंग्वेज, तो मैं इसको इंग्लिश रख लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक विंडो आएगा जहाँ पे पूछेगा डू यू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, आपको सिंपल से यस पे क्लिक करना होगा। जैसे यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से आएगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, आई वॉन्ट टू रीड एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पाथ जहाँ पे पूछता है ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लेगा इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ। यूजर क्या है वंडरशेयर, आपको यस पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्या है क्रिएटिंग डायरेक्टरी का ऑप्शन आएगा, पहले यहाँ पे क्या है एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, उसके बाद यहाँ पे फिर क्या हो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, पहले फाइल एक्सट्रैक्ट होती है उसके बाद फिर यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी।
तो वहां पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है और मैसेज भी आ चुका है, कांग्रेचुलेट फिल्मोरा इज सक्सेसफुली इंस्टॉल, बिगिन योर क्रिएटिव जर्नी। अब यहाँ तक हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम यहाँ पे इसको क्या क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप चाहे लॉन्च पे क्लिक करेंगे या यहाँ से आप डायरेक्ट लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा एनवायरमेंटल टेस्टिंग में टाइम लेता है, और जैसे ही कंप्लीट होता है हम आपको आगे की चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले प्रोजेक्ट भी बनाया था, वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है। और अब यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपका नया वर्जन या पुराना वर्जन आ चुका है कि नहीं, इसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं आपको सिंपल से यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे हेल्प के ऑप्शन पे जाके चेक फॉर अपडेट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट है तो कुछ ही समय में यहाँ पे लाइव अपडेट होता है और तुरंत आपको बता देगा कि आपका कौन सा वर्जन है, कौन सा नया वर्जन आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वंडरसेल का जो नया वर्जन आ चुका है वो 14.08 आ चुका है और मेरा करंट वर्जन यहाँ पे 13.613 है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अगर नया वर्जन आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपल से यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, अगर आपको पुराना वर्जन रखना है तो यही रख लेना है। तो मैंने डिटेल से बता दिया कैसे आप अपने लैपटॉप के अंदर पुराना वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, और पुराने वर्जन को अगर नए में जाना है तो सिंपल से यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें।